और एक और बड़ी खबर इस दौरान आपको बता दें, आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। किच्छा में किसानों के मुद्दे पर लोगों से करेंगे चर्चा। हरिद्वार में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। हरिद्वार में गंगा आरती में भी शामिल होंगे राहुल गांधी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे और साथ ही उत्तराखंड में किच्छा में किसानों के मुद्दे पर लोगों से चर्चा करेंगे। हरिद्वार में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और हरिद्वार में गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि हाल ही में प्रियंका गांधी, जो कि राहुल गांधी की सिस्टर हैं, बहन हैं, वो भी उत्तराखंड पहुंची थी और उन्होंने भी किसानों से संवाद किया था। किसानों के मुद्दे को लेकर जोर शोरों से वो चुनावी मैदान में आई थी, लेकिन अब उनके बाद राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड का दौरा जो है वो तय किया गया है उनका। किच्छा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा वो करेंगे, किसानों से संवाद भी करेंगे कि आखिर क्या परेशानियां हैं और तमाम परेशानियों की निजात के लिए वो इस बार इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरेंगे चुनावी मैदान में। वहीं हरिद्वार में वर्चुअल रैली भी करेंगे राहुल गांधी और साथ ही हरिद्वार में गंगा आरती में भी शामिल होंगे राहुल गांधी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, इस दौरान गंगा आरती में शामिल होंगे और साथ ही हरिद्वार में वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश चैमवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। योगेश, सबसे पहले तो जो आगमन है, जो दौरा है राहुल गांधी का, उसको लेकर अपडेट्स चाहेंगे कि आखिर कब तक वो उत्तराखंड पहुंचेंगे, क्या कुछ तमाम कार्यक्रम आज उनके तय किए गए हैं, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल, चुनावों के दौरे जिस तरह से अब तेज हो गए हैं, और फिर बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अगर बात मैनिफेस्टो की करें तो मैनिफेस्टो के बाद पहला दौरा जो सबसे पहले स्टार प्रचारकों का है, उसमें राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो किच्छा 11:30-12 बजे के करीब जो है वो किच्छा में पहुंचेंगे और किच्छा में वहां पर जो किसान है उन किसानों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि एक बाहुल क्षेत्र माना जाता है, किसान बाहुल क्षेत्र है वो पूरा किच्छा, और उसके अगल बगल के जो भी विधानसभाएं हैं वो सभी के सभी एक किसान, और किसानों की बात लगातार से, जब से किसान आंदोलन हुआ था तब से लगातार वो किसानों की बात करते आई है कांग्रेस और उसको बताना भी चाहती है। तो सबसे पहले किच्छा जाएंगे और किच्छा में वो मुलाकात करेंगे, इसके बाद बायरोड जो है वो आएंगे हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में एक वर्चुअल रैली जो है उसको संबोधित करेंगे। इस समय कोविड की वजह से सिर्फ वर्चुअल रैलियां हो रही हैं और इसीलिए लगातार वर्चुअल रैलियों को संबोधित कर रहे हैं जो भी नेता है, जितने भी आप बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, फिर चाहे नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर हम बात करें राहुल गांधी की, सभी जो है वर्चुअल रैलियों को ही संबोधित करेंगे। इसके तहत एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद अगर बात करें तो शाम को गंगा आरती में, जिस तरह से आपने भी बताया कि गंगा आरती में भाग लेंगे, तो जो भी जब भी कोई अगर हरिद्वार आता है, कोई भी आए, कोई सेलिब्रिटी आए या फिर कोई बड़े नेता आए, तो वो गंगा आरती में जरूर शरीक होते हैं और इसी के तहत राहुल गांधी भी शाम को गंगा आरती में शरीक होंगे। जी बिल्कुल। योगेश, देखिए किच्छा ये किसानी क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा किसान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस बार किसान के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह तस्वीरें हमने देखी थी जब कानून लाए गए थे, कृषि कानून, तब उसका विरोध जब जनता कर रही थी तो कांग्रेस भी पूरे समर्थन के साथ उत्तराखंड में उन जनता के साथ खड़ी थी। तो कहीं ना कहीं किसान का जो मुद्दा है वो भुनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है, तो क्या इसका लाभ कांग्रेस को मिल पाएगा इस बार के चुनाव में? जी क्या लगता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो जो सबसे पहले दिल्ली जंतर जो दिल्ली में जिन्होंने जाने की कोशिश की थी जो किसान थे, उनमें से एक उत्तराखंड के किच्छा के किसान भी थे। तो कहें तो वो जो 2 से 3-4 सीटें जो है वो किसान बाहुल क्षेत्र है और इसको अच्छे से कांग्रेस जानती है, इसलिए उन्हें बुझाना चाहती थी। वो जानते अगर हम वहां से जीत के आते तो बहुत फर्क जो है वो 4-5 सीटें डाल देती है और इसी को किसी भी तरह से हल्के में नहीं छोड़ रही है। फिर चाहे हरीश रावत की बात करें, वो लगातार उस साइड अपना फोकस बनाए रखे हुए थे, गणेश गोदियाल ने अपना फोकस उस साइड बना रखा और अब उनके स्टार प्रचारक राहुल गांधी आ रहे हैं, तो वो भी जानते हैं कि अगर वहाँ की जो सीटें हैं, आसपास की जो सीटें, अगर उनसे फायदा मिलता है तो, क्योंकि चुनाव जब होगा तो यहाँ पर 2-3 सीटें बहुत फर्क डाल देती है, सबसे विधानसभा है, और देखा पहले भी देखा गया है कि बहुत फर्क डाल देती है, इसलिए ये सीटें भी बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, इसीलिए कांग्रेस लगातार वहां किसानों को तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल योगेश, देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या आज का जो दौरा है राहुल गांधी का उसमें किसानों के मुद्दे को ही भुनाने की कोशिश की जाएगी या फिर मुद्दे और भी राहुल गांधी उठाते नजर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।